द 48 लॉज ऑफ पावर। कुछ लोग इस बुक को थोड़ा अनएथिकल यानी अनैतिक मानते हैं, पर क्योंकि उससे कहीं ज़्यादा लोग इसे पसंद भी करते हैं, इसलिए मैं आज आपके लिए इसकी समरी लेकर आया हूँ। इस बुक में 48 नियम बताए गए हैं जिनको फॉलो करके आप सोसाइटी में, अपनी वर्क प्लेस में, पॉलिटिक्स में या इवन वॉर या किसी कोल्ड वॉर में भी अपने आप को अपने एनिमी से ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। क्योंकि 48 नियम एक 5-10 मिनट की वीडियो में कवर करने के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं इस बुक को छोटे छोटे पार्ट्स की सीरीज़ में कवर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में हम इस बुक के पहले 6 नियमों को कवर करेंगे और आगे के नियम हम आने वाली हमारी वीडियोज़ में देखेंगे। मैं जो कुछ भी इस वीडियो में बताऊँगा वो सब बातें इस बुक के ऑथर की बताई हुई हैं, पर यह ज़रूरी नहीं कि मैं इन सारी बातों को सपोर्ट करता हूँ। पहला नियम, नेवर आउटशाइन द मास्टर। मतलब कि जो भी इंसान आपके ऊंचे ओहदे का है या जिस भी इंसान के नीचे आप काम करते हैं, उसे कभी ये फील ना होने दें कि आप में उससे ज़्यादा टैलेंट और कैपेबिलिटीज़ हैं। कॉरपोरेट लाइफ में ऐसा होने के बहुत से चांसेस होते हैं। कई बार आपको ऐसे लोगों के नीचे काम करना पड़ता है जिनमें आपसे कम टैलेंट है, क्योंकि उनके पास आपसे 1-2 साल ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है, इसलिए वो आपसे ऊँचे ओहदे पर हैं, पर नॉलेज के मामले में आप उनसे ज़्यादा आगे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन में आप अपने काम से या अपनी बातों से अपने सीनियर को ये रियलाइज़ करा देंगे कि आप उससे भी बेटर हैं, तो उसके अंदर इनसिक्योरिटी आ सकती है। उसे लग सकता है कि जब आप सबकी नज़र में आएंगे तो आपको उससे कंपेयर किया जा सकता है, और चूंकि वो ऑलरेडी आपसे कम टैलेंटेड है तो ये बात उसके लिए नुकसानदायक भी बन सकती है। उसके अंदर आपके लिए जलन की भावना आने के भी चांसेस होते हैं। किसी भी कंडीशन में आपके सीनियर के अंदर आपके लिए ऐसी भावनाएं नुकसानदायक ही रहेंगी, क्योंकि उनके पास फिलहाल आपसे ज़्यादा पावर है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आप अपने टैलेंट को लोगों के सामने इतना ज़्यादा ना दिखाएं कि आपका मास्टर ही आपसे इनसिक्योर हो जाए। दूसरा नियम, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज़ एनिमीज। मतलब कि दोस्तों पर हद से ज़्यादा भरोसा ना करें और अपने दुश्मनों को यूज़ करना सीखें। इस लॉ में ये बताया है कि जो हमारे करीबी होते हैं, जिनसे कभी हमारी कोई बुराई या लड़ाई नहीं हुई होती, हमें उनसे ज़्यादा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि इस बात के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनमें हमारे प्रति जलन की भावना पैदा हो जाए। अगर आप अपनी लाइफ में उनसे आगे निकल जाएं, तब ऐसा हो सकता है। उन लोगों पर आपने हमेशा भरोसा किया है, इसलिए अगर वो लोग आपका बुरा सोचने लगेंगे तो आपको कभी उन पर शक भी नहीं होगा, और चूँकि वो लोग आपके बहुत पास होते हैं, इसलिए उनके पास आपको नुकसान पहुँचाने के मौके भी ज़्यादा होते हैं। इसलिए आपको अपने करीबियों से बचकर रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। वहीं जो आपके दुश्मन होते हैं वो ज़्यादा भरोसे के काबिल होते हैं। आप अगर आपके किसी दुश्मन से मदद मांगेंगे तो वो आपको धोखा नहीं देगा, क्योंकि उसे अपनी अच्छाई प्रूफ करने और आपको अपना आभारी बनाने, इन दोनों कामों के लिए वफादार रहने की ज़रूरत है। दुश्मनी होते हुए भी आपने उस पर भरोसा जताया, ये बात उसके कंधों पर एक जिम्मेदारी की तरह होती है। इसलिए आप अगर अपने दुश्मन को सही तरह से यूज़ करना सीख जाएं, तो वो आपके दोस्तों से भी बढ़कर आपके काम आ सकता है। तीसरा नियम, कंसील योर इंटेंशंस। ये लॉ कहता है कि आपको अपने इंटेंशंस हमेशा छुपा के रखने चाहिए। ये लॉ खासकर आपके तब काम आता है जब आप कोई ऐसा काम करना चाहते हो जिसमें आपके कई विरोधी खड़े हो सकते हैं। अगर लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि आप आखिर करना क्या चाहते हैं, तो वो आपको रोकने के लिए कोई स्ट्रेटेजी बना ही नहीं पाएंगे, और जब तक उनको आपके असली इंटेंशंस पता चलेंगे तब तक उनके लिए बहुत देर हो चुकी होगी। इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सन 1850 में प्रूसिया की पार्लियामेंट में एक मेंबर थे, सर ओटो वॉन बिस्मार्क। प्रूसिया उस वक्त एक जर्मन किंगडम था। ये जर्मन रेवोल्यूशन का टाइम था और प्रूसिया में इस बात का डिसीजन नहीं हो पा रहा था कि क्या ऑस्ट्रिया पर हमला करके उसे जर्मन एम्पायर में मिलाना चाहिए। उस वक्त बिस्मार्क चाहते थे कि उनको ऑस्ट्रिया पर हमला कर देना चाहिए, पर यह बात उन्होंने किसी को बताई नहीं। जब उन्होंने पार्लियामेंट में स्पीच दी तो युद्ध की बुराई की। वो इस बात के बिल्कुल खिलाफ हो गए कि उन्हें युद्ध करना चाहिए। सब लोगों को यही पता था कि बिस्मार्क युद्ध चाहते हैं, इसलिए उनकी बात सुनकर सब लोग कंफ्यूज हो गए। उनकी बात ने पार्लियामेंट की वोटिंग पर असर भी डाला और युद्ध ना करने का डिसीजन भी हुआ। उस समय प्रूसिया का राजा शांति पसंद करने वाला इंसान था, और बिस्मार्क के इस काम ने राजा का भरोसा जीत लिया। इसलिए राजा ने बिस्मार्क को पहले कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, और कुछ साल में बिस्मार्क प्रूसिया के प्राइम मिनिस्टर भी बन गए। प्राइम मिनिस्टर बनते ही जैसे ही बिस्मार्क के हाथ में पावर आया, उन्होंने ऑस्ट्रिया पर हमला कर दिया, उसको अपने कब्जे में लेकर एक जर्मन स्टेट बनाया और प्रूसिया को उस स्टेट का हेड बनाया। इस तरह से उन्होंने जर्मनी का यूनिफिकेशन किया और खुद जर्मनी के चांसलर बने। अब आप सोचिए कि
कि अगर बिस्मार्क पहले ही सबको अपने इंटेंशंस बता देते तो क्या उनको ये सब शुरू करने का भी मौका मिल पाता। चौथा नियम, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। ये लॉ हमको ज़रूरत से कम बोलने के लिए सजेस्ट करता है। ध्यान रखिए, केवल कम नहीं बल्कि जितने की ज़रूरत है उससे भी कम। इस सजेशन के पीछे ऑथर ने हमको कुछ रीजंस भी दिए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने मुंह से जितने ज़्यादा शब्द निकालेंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप कोई हल्की या बेवकूफ़ी भरी बात कर दें। अगर आपको लोग बेवकूफ़ समझेंगे तो ना कभी आपकी कोई बात सीरियसली ली जाएगी और ना कभी आपको कोई खास इज्जत मिल पाएगी। दूसरी बात, जो जितनी ज़्यादा बातें करता है वो उतना ही साधारण दिखाई देता है। ज़्यादा बातें करने वाले इंसान ऐसे लगते हैं जैसे कि इनका अपने आप पर कंट्रोल नहीं है, तो इस तरह का इंप्रेशन बनाकर भी आप अपना नुकसान ही कर रहे होते हैं। ये समझ लीजिए कि इंसान की जो जीभ है वो एक खतरनाक जंगली जानवर है। इस पर काबू पाना एक बहुत ही कठिन काम है। ये हमेशा अपने पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश में लगा होता है। अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो ये हर गलत दिशा में दौड़कर नुकसान ही नुकसान पहुंचाएगा। जो इस जानवर को काबू में नहीं ला पाते उनके पास पावर कभी नहीं आती। तीसरी बात, कम बात करने वाले लोग दूसरों को आसानी से समझ में नहीं आते। जैसा कि पिछले लॉ में हमने देखा था कि हमको अपने इंटेंशंस छुपाकर रखने चाहिए, तो कम बात करने वाले लोग अपने इंटेंशंस दूसरों से बेहतर छुपा पाते हैं। पांचवा नियम, सो मच डिपेंड्स ऑन योर रेपुटेशन, गार्ड इट विथ योर लाइफ। ये लॉ कहता है कि आपकी रेपुटेशन यानी आपकी छवि आपके पावर की आधारशिला है। आपका पूरा पावर आपकी रेपुटेशन पर ही टिका है। लोग हमेशा आपको आपकी रेपुटेशन के बेसिस पर ही जज करेंगे। ऐसी जगह पर जहां केवल दिखावट का ही खेल है वहां आपकी रेपुटेशन ही आपके काम आएगी। अगर आपकी रेपुटेशन खतरनाक है तो केवल उसके कारण ही लोग आपसे डर कर रहेंगे। उस डर के दम पर ही आप अपने बहुत से काम निकलवा सकते हैं। और जहां आपकी रेपुटेशन ऐसी हुई कि किसी को आपसे कोई डर ना हो तो फिर आप पर वार करने से भी कोई नहीं डरेगा। वर्ल्ड वॉर टू में जनरल इरविन रोमिल की रेपुटेशन ऐसी थी कि वो एक बहुत ही चालाक और भ्रामक इंसान है। उनके नाम से ही दुश्मन थरथर कांपता था। युद्ध के दौरान एक समय ऐसा आया कि दुश्मन की सेना उनसे 5 गुना बड़ी थी। ऐसी सिचुएशन में भी जनरल इरविन के आने की खबर सुनकर पूरे शहर के शहर खाली हो जाया करते थे। उनके कहीं पहुंचने से पहले ही उनका बहुत सा काम उनकी रेपुटेशन के कारण ही हो जाता था। समाज में आपको किस नज़र से देखा जाएगा ये आपकी रेपुटेशन पर डिपेंड करता है, और आपकी रेपुटेशन आपके काम पर डिपेंड करती है। इसलिए हमेशा ऐसे काम करें कि आपकी एक पावरफुल रेपुटेशन लोगों के बीच में रहे। एक छोटी सी मिस्टेक से भी आपकी पूरी छवि बिगड़ सकती है और उसको दोबारा बनाना बहुत ही कठिन काम होता है। इसलिए किसी भी कीमत पर आपकी छवि पर कोई आँच ना आने दें। अगर आपका कोई दुश्मन है तो उसकी रेपुटेशन पर हमला करें। एक बार आपने उसकी रेपुटेशन बिगाड़ दी फिर बाकी काम समाज के लोग खुद ही कर देंगे। छठा नियम, ये लॉ कहता है कि पावर पाने के लिए हमको लोगों का ध्यान आकर्षित करना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हर कीमत पर हमें आकर्षण का केंद्र बिंदु बनकर रहना है। किसी भी चीज़ पर अपना जजमेंट देने से पहले लोग ये देखते हैं कि वो चीज़ दिखने में कैसी है। जो कुछ भी दिखाई नहीं देता उसकी गिनती भी नहीं होती। इसलिए हमें अपनी शख्सियत को भीड़ में खोने नहीं देना है, क्योंकि अगर आप भीड़ में खो गए तो सब आपको भूल जाएंगे। अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाओ, दूसरों से बेहतर दिखो, अपनी ज़िंदगी को आम लोगों से बड़ी दिखाओ। ऐसा करने के लिए ऑथर बोलते हैं कि हमको हमारी इमेज ऐसी बनानी पड़ेगी जो बार बार लोगों का ध्यान खींचे। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोगों का ध्यान आप पर किसी अच्छी बात के कारण जा रहा है या कोई बुरी बात के कारण। आपने फिल्म इंडस्ट्री में देखा होगा कि जो एक्टर्स किसी कॉन्ट्रोवर्सीज़ में फंस जाते हैं उनको और ज़्यादा फिल्में मिलने लगती हैं। तो भले ही लोगों का ध्यान उन पर किसी बुरी बात के कारण गया पर उसके बाद भी उनका फ़ायदा ही हुआ। इसके अलावा आप कोशिश करें कि आपका नाम किसी ऐसी क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक के साथ जुड़ जाए जो दूसरों से आपको अलग बनाए। इससे जब भी लोग उस क्वालिटी या उससे रिलेटेड कोई बात करेंगे तो आपको याद जरूर करेंगे। अपने दुश्मन को लोगों की अटेंशन पाने से रोकें। थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला दोनों ही बहुत महान साइंटिस्ट थे, इसलिए आज तक दोनों को ही याद रखा जाता है। पर जिस समय ये दोनों लोग जिंदा थे उस समय थॉमस एडिसन ज़्यादा प्रसिद्ध थे। इसका कारण ये था कि थॉमस एडिसन जब भी अपने इन्वेंशंस को लोगों के सामने लाते तब वो बहुत ही नाटकीय अंदाज में अपने आविष्कार पेश करते थे। इससे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी। इसी कारण जब साइंस की फील्ड में नोबेल प्राइज़ देने का टाइम आया तो नोबेल पीस कम्युनिटी ने प्राइज़ तो दोनों को देने का डिसीजन लिया,
पर इस बात की इजाज़त थॉमस एडिसन से ली और थॉमस एडिसन ने कहा कि अगर प्राइस देना है तो केवल उनको ही दी जाए, अगर टेस्ला को भी प्राइस मिलेगा तो वो उस प्राइस को नहीं लेंगे, क्योंकि वो जानते थे कि नोबेल प्राइज जिस किसी को भी मिलता है उसको बहुत पब्लिसिटी मिलती है और वो नहीं चाहते थे कि उनके कट्टर प्रतिद्वंदी को किसी भी तरह की फ्री पब्लिसिटी मिले। तो ये थे 48 लॉज ऑफ पावर के पहले 6 नियम। बाकी के नियम हम हमारी आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।